जय हिंद दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का 23, 24, 25 का पेपर हो चुका है। रिजल्ट और फिजिकल कट ऑफ और इन सब से रिलेटेड बातें करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए फुल इन्फॉर्मेटिव है। आपका आंसर की कब तक आ सकता है? देखिए, लास्ट दो वैकेंसी जो हुई थी 41,000 और 49,000। मेरे साथ दोनों बैच के कांस्टेबल हैं, उनसे पहले वाले बैच के भी कांस्टेबल हैं जो मेरे साथ ड्यूटी करते हैं। तो 41,000 हो चाहे 49,000 हो, दोनों बैच का ज़्यादा दिन आपको टाइम नहीं लगा था आंसर की आने के बाद। इनमें से शायद 41,000 के आसपास का जो 41,000 वाला जो बैच था उसमें तो आपको आंसर किया आया, उसके बाद DVPST, उसके बाद 2-4 दिन बाद आपका रनिंग भी हो गया था। और दूसरा शायद 49,000 था, उसमें आपको इलेक्शन की वजह से टाइम मिल गया था। लेकिन आपको बता दूं, जो लोग भी पेपर दे रहे हैं, 31 अक्टूबर खत्म होने 31 अगस्त खत्म होने के बाद आपका जो है आंसर की 10-12 दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा, जिससे आप चेक कर सकते हो। फिजिकल जो है आपका सितंबर में नहीं होगा। फिजिकल के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, दो वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। 23, 24, 25 वालों को कितना कट ऑफ चाहिए, कैसा सेफ स्कोर है उसके ऊपर, और स्पेशली फीमेल भी देख लीजिएगा क्या कट ऑफ चाहिए। अगर आपका 140 नंबर, 150 नंबर, 160 नंबर भी बन रहा है, फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि फीमेल की भर्ती बहुत ज़्यादा है इस बार और चांसेस ज़्यादा है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। तो वो वीडियो देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है, फीमेल के। और कट ऑफ रनिंग कितना है, क्या चीज़ है, मैंने उसमें डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो बनाया है। दूसरा चीज़ आपको बता दूँ, आंसर के आने के बाद 10 से 12 दिन में आपका 31 तारीख को पेपर खत्म होगा, 10 से 12 दिन में आपका आंसर किया सकता है, क्योंकि उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा DVPST और इसका रेडियो ऑपरेटर का। आपका जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आपका अक्टूबर, ये बीच में बहुत सारे फेस्टिवल भी आपको पता है, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सब, अक्टूबर या फिर नवंबर इस साल कन्फर्म है कि आपका रनिंग होगा, DVPST होगा। हो सकता है इस साल तक के लास्ट तक में आप ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं, ये भी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है उम्मीद है कि आप इस साल तक ट्रेनिंग में जा सकते हो अगर आपका रनिंग होगा। और 5 दिन का भाई जो है 23, 24, 25, 30 और 31 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाने वाला है, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट सभी का एक ही बराबर के आसपास का लेवल आ रहा है। तो जो कट ऑफ बनेगा वो मैं लास्ट में बना दूंगा आपको, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि तैयारी करें ना करें, देखिए बहुत लोगों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो नंबर आते हैं 230 नंबर, 225 नंबर, 240 नंबर, तो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, हो सकता है फिजिकल में कमजोर होते हैं। तो कितने बार होते हैं जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं फिजिकल में छट जाते हैं, और जिनका नंबर कम आता है उनका चांस बन जाता है, तो वो फिजिकल में निकाल लेते हैं। तो अगर आप अभी आपका निकल गया है और आपका रनिंग कमजोर है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, कैसे दौड़ना है, क्या मैंने बताया है, आप रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो, आपके लिए बेस्ट है। अभी से बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज से आप मत सोचो कि कितना आपका बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, आप बस रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि आप उस कट ऑफ के या सेफ स्कोर के आसपास आपका भी नंबर एक, आपको ही पता है, आप पेपर देते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने आसपास बन रहा तो मुझे रनिंग करना चाहिए। आप इस डाउट में मत पड़ो कि आंसर की आने के बाद रनिंग स्टार्ट करूंगा। दौड़ने से कोई आपका हार्म नहीं हो जाएगा शरीर, बल्कि अच्छा ही होगा। बाकी SSC GT का भी आ रहा है, तो उसमें भी आप भर सकते हो फॉर्म। जो इससे पहले 41,000 होता उस 1.5 गुना के आसपास बुलाया गया था, और बाकी जो होता 1.5 से 2 गुना के आसपास बुलाया गया था, लेकिन इस बार आपका जो है 2.5 गुना के आसपास आपको कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल DVPST के लिए। उसमें से वो लोग छाटेंगे, क्योंकि 60,000 के आसपास वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी है, और आपको पता है कि 4-4.5 लाख स्टूडेंट तो ऐसे ही पेपर छोड़ दिए हैं जो नहीं दिए हैं, ठीक है। अब तक पूरा मिला के चला जाए तो 20 से 22 लाख के आसपास स्टूडेंट पेपर दिए हैं, और ओवरऑल मिला के जैसे 50 लाख के आसपास स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। आपका उम्मीद है कि 30 से 35 लाख के आसपास स्टूडेंट पेपर देंगे, 15 लाख तो ऐसे ही छट चुके हैं, स्टूडेंट भी कम हो जाएंगे, उसमें से बहुत सारे लोग रिजल्ट में छट जाएंगे, 2.5 गुना के आसपास बुलाया जाएगा। तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। जो लोग अच्छा नंबर लाए हैं वो तो बिल्कुल तैयारी करें, जो कम नंबर लाए हैं वो भी तैयारी करें। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है रिसेंट के, आप 3-4 वीडियो सब यूपी कांस्टेबल के ऊपर है, प्लीज देख लीजिएगा। और एक यूपी कांस्टेबल का 19 की उम्र में कैसे यूपी कांस्टेबल एग्जाम निकाला, फिजिकल निकाला, सब कुछ किया, 2018 बैच का है, 5-6 साल नौकरी करते हुए, प्रॉपर डिटेल में इंटरव्यू वाली वीडियो बनाया हूं, आप जाके देखो। लिटरली आपको गारंटी दे रहा हूं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको उत्साह बढ़ेगा और आपको तैयारी करने में और अच्छा लगेगा। उस वीडियो को मिस मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, 5-6 वीडियो छाटोगे तो उसमें भी मिल जाएगा आपको वीडियो का। जो आप ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, आपका रिजल्ट और आंसर की और फिजिकल आपका कब तक और ट्रेनिंग में कब तक जा सकते हो। तो फिजिकल आपको बता दिया, आंसर की आपको बता दिया 10 से 12 दिन में आ सकता है, उसके बाद 1 महीने में आपका सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक। उसके बाद आपको 1 महीने बाद दिया, 10 दिन बाद ही, 15 दिन बाद ही, मुश्किल से आप मोटा मोटी देखो तो आपके पास 1.5 से 2 महीना अभी के हिसाब से ये है, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं टीचर बता सकता, जो ये चीजें ना कोई आपको टीचर बता सकता है, ना ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जो कोई नहीं बता सकता, जो इस डिपार्टमेंट है, जो खुद एग्जाम दे के आया है, जो नौकरी कर रहा है, वो ये सब चीजें जो होती है इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस, ये वही लोग दे सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप पेज को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन आपको एक सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस दे सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम का पेज दिखा दे रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ,
वहां पे आप मेरे से डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके मन में डाउट हो रहा है। तो मेरे भी खुद के 3-4 साल नौकरी हो गई, जो भी आपके डाउट होंगे, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और फीमेल भी जो है, अगर आपको ये जानना है कि कैसी होती है फीमेल कांस्टेबल की नौकरी, क्या होती है, कैसे होती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फीमेल का इंटरव्यू लेके आइए, मैं उनका इंटरव्यू लेके आ जाऊंगा और उनसे आपको बात करा दूंगा। आप इंस्टाग्राम में जुड़ जाएंगे तो लाइव में भी फीमेल कांस्टेबल आती है, मैं उनसे आपको डायरेक्ट बात करा दूंगा कि कैसी होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, तो इसलिए बोलता हूँ कि दोनों जगह प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिए। यही मेन बेसिक जानकारी थी, जो आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, ठीक है। आप अपने बिल्कुल हताश नहीं होना, आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी से मच चुकी है, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कैसे रनिंग करनी है, क्या करनी है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, एक इस वीडियो पर अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप ही लोग चैनल, ये जो मौका मिला है ना आपको, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, वर्दी पानी है। तो बस आपको यही कुछ महीने, जैसे आपने एग्जाम फरवरी के बाद से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, जो लोग कंटिन्यू होकर पढ़ाई कर रहे थे अगस्त तक, उनका पेपर अच्छा जाएगा वो फिजिकल में। अब फिजिकल में बस थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। आपने पहले एग्जाम के लिए तैयारी करी, अच्छी बात है, फिजिकल के लिए तैयारी कर लो, मेडिकल की तैयारी कर लो, उसके बाद सीधे जाओ ट्रेनिंग में, अच्छी खासी सैलरी पाओ। सैलरी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा कि अभी करंटली क्या सैलरी मिल रही है यूपी कांस्टेबल को। तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे यार, आप एक गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे। आपको भी पता है, कोरोना हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे बहुत सारी चीजें, मैंने एक्सीडेंट के ऊपर वीडियो डाला है, तो क्या फैसिलिटी मिलती है। एक वीडियो है आपको जरूर देखनी चाहिए, पीएसपी अकाउंट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पीएसपी अकाउंट होता क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में। आपको सबको बस पता होता है कि एसबीआई में अकाउंट खुल जाता है आपका सैलरी अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुल जाता है, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ता है जिससे पुलिस वालों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो वो होता है पीएसपी अकाउंट, पुलिस सैलरी पैकेज। उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो स्टेट बैंक से हट के बहुत लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट क्यों खुलवाएं और क्यों पीएसपी, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंश्योरेंस और बहुत चीजें बोलते हैं, डिटेल मैंने वीडियो डाला है, तो उस वीडियो को देखिएगा, अब आपके जरूर काम आने वाला है। और जो जो पुलिस में है जिनको नहीं पता है पीएसपी अकाउंट क्या होता है, उनके साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। आपके घर में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे, जो भी हो, वो वीडियो जानना बहुत जरूरी है कि आपको एसबीआई से बैंक ऑफ बड़ौदा में आने में क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं बना दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो दोस्तों।